सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज बनने वाला है व्लॉग, पता है मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं सब छोड़ छाड़ के ना मॉडल का ही काम कर लूँ। मॉडल का मतलब मेकअप मॉडल, ये मॉडल वॉडल जो भी। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मुझे जाना है अपना सेकेंड ब्राइडल हल्दी लुक करवाने। उसके लिए मैं घर से निकल चुकी हूँ। सबसे पहले मुझे जो ड्रेस पहनना है वो ड्रेस मैं लेने जा रही हूँ, फिर मैं जाऊंगी आगे। ओके चलो। अभी फाइनली गाइस मैं ड्रेस लेके पहुंच चुकी हूँ। ये है मेरे हाथों में ड्रेस और मारिया मैडम अभी उतर रहे हैं, जिनके साथ मुझे जाना है। कैब बुक किए हैं, वो अभी आ रही है। बस ये आ जाए लड़की, 2 घंटा लगाई है तैयार होने में। कुछ तैयार नहीं है फिर भी 2 घंटे लगाई है उसने। मारिया आ गई फाइनली। 2 घंटे लगाई है इससे तैयार होने में। कुछ नहीं, 2 घंटे नहीं लगाई मैंने। और अभी आ चुकी है जाने के लिए। कैब का है कितना टाइम लगेगा आने में? 5 मिनट। अब 5 मिनट यहाँ पे भी वेट करो। चलो अब वो निकल ग्राउंड से आ गए। समीरा भी आ चुकी है तैयार कर के। ये नहीं लेना चाहिए। नहीं चलेगा, मैं ठीक हूँ। तुम अपने आप को संभाल लो, मैं ठीक हूँ। आज मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, फुल टू फटांग वाला कंफर्टेबल। आज मैंने फ्लैट भी पहनी और मेरे कंफर्टेबल वाली मेरी जीन्स भी पहनी। तो मैं तुम लोगों के साथ में 2 घंटे से हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। सरप्राइज नहीं चाहिए मुझे, मुझे सस्पेंस जरा सा भी नहीं पता है। पसंद है तो मुझे बता दो कि जा कहाँ रहे। वी आर टेकिंग यू टू, मैं समीरा, अंधेरी। अंधेरी 2 घंटे रहने के बाद इन लोग आप मुझे बता रहे हैं कि अंधेरी जा रहे हैं। तो झंडू में हम लोग हैं अभी और आगे सरप्राइज मिलेगा। यू विल गेट सरप्राइज। ओ माय गॉड, देखती हूँ क्या क्या है इन लोग ने मेरे लिए सरप्राइज जो रखे। अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना, मैं अभी अपना सब काम धंधा छोड़ के ना यही सब करने लग जाओ। तुम लोगों को क्या लगता है जरा मेरे को बताओ तो। क्या छोड़ के कौन सा काम धंधा करना है? मतलब मेरे स्टिचिंग वगैरह का जो ऑर्डर्स वगैरह लेती है, मैं सोच रही हूँ सब छोड़ दूँ। ये स्क्रीशन मिनोरेन के साथ। हाँ मैं भी करती हूँ यार, छोटा है लेकिन करती हूँ। तो मैं सोच रही ना मैं वो छोड़ के बस यही करूँ। हाँ तो फिर अच्छा है ना, मॉडलिंग करो। नाउ वी आर देयर, हम पहुंच चुके हैं किचन पे। निकलो जल्दी। मेरे बाल तो देखो। निकलो निकलो, गेट खुला हुआ है पहले से आप लोगों के लिए। हम लोग कहाँ पे पहुँचे अभी मारिया? दिलकप मॉल। हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं, दिलकप सेंटर पहुँचे हम लोग। बैक कैमरा ऑन करके स्टूडियो हम लोग पहुँच गए हैं। सो ये है। हाँ सो फाइनली हम लोग जाके मैं जा रही अपना अभी आउटफिट चेंज करने के लिए। पता नहीं किधर जा रहा है। चेंजिंग रूम में ऑफ कोर्स यार। अरे ये तो मुझे पता है। चेंजिंग रूम में ये तो मुझे पता है, लेकिन वो किधर है वो नहीं मालूम था ना। चलो बाय बाय, पहुंच चुके हैं। आई चेंज माय क्लोथ्स, पहले दिखा देती हूँ। हमारी ये भी बहुत अच्छी लग रही है आज हम लोग येल्लो येल्लो। अभी मेरा मेकअप करने वाले फातिमा मैम, जिनकी ये क्लास है पूरी। बहुत ब्यूटीफुल है यार, सामने से देखे मुझे मस्त लग रहा है। फातिमा सैयद नाम है ना उनका पूरा। सो मेरा मेकअप करने वाले चलो क्लास में चलते। मशीन
बस कोई हंसे तो बोल देना किसी पे याद है जाऊंगी ऐसे आप टेंशन ना ले मैं मजाक कर रही हूँ ये हुई ना जोक्स अपार्ट चलो अब स्टार्ट करो लग जाओ सबसे उनका एक्सपीरियंस पूछना किसी का दुपट्टा इधर उधर है तो सब कई तरीके से पूरे लोगों को ज्वाइन हो जाने दो आई क्लोज हल्दी फंक्शन है माशाल्लाह से मेरे पास सीखने के लिए आते थे इनका 4 घंटा ट्रैवलिंग में जाता है 4 आवर्स जाने में और 4 आने में एकदम डाई हार्ड फैन है मेरे बेसिक टू डिप्लोमा लेवल का जो कोर्स किया है मेरे पास इन्होंने क्या सीखा है बहुत कुछ सीखा मैंने क्या हुआ पीने दो ना कोई बोल रही हूँ आज तो मैंने एक ही पी हूँ तो मैं मैम के खाते में 2-2 पीती थी अब तो 4-4 पी रहे हैं ये बहुत अच्छी चाय की बहुत ज्यादा मेरी तरह चाय पे अच्छी है बात फिर घर जाके नहीं पीते यहाँ इतने उधर नहीं वो बराबर कैमरा मेरा फोन दो ना हाँ एक मिनट क्रीम पी लिया हाँ वो मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है कम से कम एक हफ्ता अभी वीडियो आया था ना प्रियंका चोपड़ा का उसमें उसे कपड़े काफी कम हो गए थे अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट पता है क्या जी एम खान है मेरी मम्मा को भी हुआ है राइट साइड उनका नंबर ही रहता है गिर जाती चीज आपसे पता नहीं चला हम बताना मैंने उनकी पूछी हुई वो मुझे चक्कर नहीं आ रही है मुझे पेन ज्यादा अच्छा कुछ पेन नहीं रहा चक्कर तो अच्छा नहीं काम कर दिया वो भी एक बचा है किधर रोशनी छोटू छोटू भी स्टार्ट ये पकड़ो ये लो हाँ देखो इसको कैसा बट दुपट्टा अच्छा चाहिए मैम ये येलो वाला जो था मैं एक नेट का दुपट्टा दिया था ना तुमने वो दो हाँ हाँ अभी कैसा है ना थोड़े हाइटेड लोग को मैं
अब हम लोग कैब में बैठ चुके हैं घर जाने के लिए, और मेरा ड्रेस तो चेंज हो गया है, मेकअप भी चेंज हुआ, लेकिन ये दोनों भी पीछे बैठे हैं। आप मेरा कुछ कहना चाहेंगे? मेरे मेकअप आर्टिस्ट इतना शर्मा रहे हैं। फंक्शन कैसा था? अच्छा वो बताओ। बहुत मजा आया। तुम लोग का ही फंक्शन था, तुम लोग नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा? बहुत मजा आई। और कुछ एंजॉय किए? ब्राइट कैसी थी तुम्हारी? वो तो है ही इतनी ब्यूटीफुल। बताओ, मैं अपनी हल्दी में, मेरी हल्दी तो कभी हुई ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। फीलिंग आ रही थी आज? नहीं, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आई, लेकिन डांस वाला सही में मुझे हल्दी वाली फीलिंग नहीं आई। ऐसा लग रहा था बस है ना, फोटो शूट चालू है और वीडियो बन रहे बस, और ठुमके लगा लू और बता। हाँ मजा आती, थोड़ा डांस वांस करते ना, लेकिन टाइम तो डांस। अबे वो उसको डांस बोलते क्या? एड़े लोग के ऐसा खाली गोल गोल घूम रहे थे, उसको डांस नहीं बोलते। तो ये हेयर स्टाइल की वजह से मेरी गर्दन ऐसा लगता है एक ही साइड रह जाएगी, राइट साइड में, क्योंकि मेरे गर्दन में दर्द हो रही है। इन लोग को हंसी आ रही है। एटलीस्ट वी कैन गो सेफली ट्रैवल। ये लोग कल का ब्राइडल का है, बेचारे लोग इतना प्रेशर में क्या करे, मेरे तो खाली जाके खाना खा के सोने गए। बताओ अभी तक कुछ अरेंजमेंट भी नहीं किए इन लोग ने, रात भर तुम लोग है ना बैठ के प्रिपेयर करना अपना सब कुछ। घर में थोड़ी ना बना सकते कुछ। तू आउटफिट लेकर आएगी मेरा? मैं आउटफिट लेकर आऊंगी। वाह, नूरन बोली तू लाएगी? हाँ देखो, आई होप सो के हो जाए। कुछ पी लेते हैं। हाँ इन लोग ने मुझे सुबह में दोपहर में बिरयानी खिलाई थी। दोनों देखो कितने सस्ते में निपटा रहे हैं। अभी फैंटा लेके आए खाली, ये नहीं क्या कुछ खाने को भी ले लूं? बताओ मुझे, इतना भूखा रखे मेरा वेट तो इन लोग ऐसे ही कम कर देंगे। रोशनी 100 रुपया बचेगा ट्रैवलिंग का। शावरमा मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं निकली अभी, कैसी मेहंदी लगाई है इसने, छुट्टी ही दी है। अच्छी लगाई तो अच्छी बोलना चाहिए थे। मेहंदी बहुत अच्छी लगाई है, लेकिन मेहंदी भी बहुत अच्छी है यार। कट कर दीजिए ना। बैठे हैं, अब मैं आप लोगों से घर पे मिलूंगी, इन लोग को लगे रहे रास्ते में नहीं मिलेंगे। अब रास्ते में देखती हूँ, नहीं तो डायरेक्ट घर पे। ना हो मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, पहले इसको खोल दू। खुला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, कैसी लग रही मैं? अच्छी लग रही। मेहंदी क्यों लगा ली? अच्छी लग रही। सो गाइस आपके बहुत गंदे पड़े थे। नहीं मैं अच्छी दिख रही। तो मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ और इसको निकाल दूँ। वैसे मैं स्कार्फ में ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ ना। अभी मैं स्कार्फ अगर खोलूँगी तो तुम लोग डर जाओगे, क्योंकि मेरे बाल की ऐसी वाट लगी है। एक बार खोलो। खोल दूँ पक्का? नहीं मेरे बाल बहुत अच्छे बने थे, लेकिन फिर वो सब निकालने विकालने में मेरे बाल खराब हो गए, और बस थक भी चुकी हूँ, भूख भी लगी। खाने में क्या बनाया तुम लोग? चिकन। क्या बनाए? चिकन बनाया है। तो अभी नाज और अलीना, अलीना लाके मेरे पैर वर धोएंगे, नाज मेरे को खाना लाके देंगी। पैर वर धोए आप तो चलो सो ले, आपको सुबह काम पे। अल्लाह मैं थक के आई हूँ, कितने खराब है लोग। घूमने भी जाना है, देखो ऐसा कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, घर में पहुंच चुकी हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आई होप कि सबको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना आज का मेरा हल्दी लुक कैसा लग रहा था, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बस कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा था मेरा हल्दी लुक। फातिमा सैयद मैम ने किए यार, ऑब्वियसली अच्छे ही करेंगे, बट फिर भी ठीक है। और अंधेरी से आते आते मैं अंधेरे में हो चुकी हूँ, अभी मैं चलूँ अपना फेस क्लीन करूँ। बस सबको गुड नाइट, बस गुड नाइट, और कमेंट करके बता देना। ओके okay?